हेलो गाइस, कैसे हैं? आज हम आपको बनाएंगे एक डेकोरेशन लाइट जो पाइप से बनता है। ये पाइप को हमने 5 सेंटीमीटर कट कर लिया है। इसके ऊपर के हमने छोटे छोटे कवर भी इसके ऊपर कट कर लिया है, इसलिए हम कट कर लेंगे। वीडियो लंबी ना, आप ऐसे कट कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर हम लोग होल कर देते हैं। देख सकते हैं तीन तीन होल करना है। ऐसे ही पूरे पाइप में हम लोग होल कर देते हैं। देख सकते हैं इसी तरह हमने सारे पाइप में होल कर लिया है। कितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर होल कर लिया है। अब ऐसे कर लीजिएगा। देख सकते हैं ये LED है। इसका बड़ा लाइट पॉजिटिव होता है, छोटा लाइट निगेटिव होता है। इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं और इसके दोनों लेग को फोल्ड कर देते हैं। देख सकते हैं इसलिए कर देंगे इसे फोल्ड, क्योंकि इसे टाइट हो जाए। और इसे दोनों लेग को आपस में छोटे छोटे देख सकते हैं लेग मोड़ देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिट हो गया है। चलिए इसके अंदर हम लोग कॉपर का वायर लगाते हैं, जो ट्रांसफार्मर के अंदर से आपको मिल जाएगा। इसमें काफ़ी मिल जाता है, उसमें वायर रहता है। चलिए इसको इसके ऊपर रख के इसे छोटे छोटे करके इसे देख सकते हैं मोड़ देंगे, छोटे छोटे टर्न करके। ऐसे ही सारे हमने LED को टर्न करके मोड़ लिया है। आपको भी ऐसे मोड़ लेना है। चलिए इसमें से हम एक लेते हैं LED को और इस कैप को देख सकते हैं इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग फेविक्विक से इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। देख सकते हैं ये फिक्स हो गया है। इसी प्रकार से हम लोग सारे को फिक्स कर देते हैं। देख लीजिए हमने ऑलरेडी पहले से ही फिक्स करके रखा है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये फिक्स हो गया है। इसके अंदर हमने कूट लेंगे। इस कूट के ऊपर से हमने होल कर लिया है। इसमें सारे LED को हम लोग लगा देते हैं। देख सकते हैं ये सारे LED लग गया है। इसके हम लोग देख सकते हैं ये पॉजिटिव एक निगेटिव हमने पॉइंट बना लिया है। अभी काफ़ी सिंपल होता है। अभी निगेटिव पॉजिटिव वायर बना लीजिएगा। देख सकते हैं इसमें हम वायर को भी सोल्ड कर दे रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव को। देखिए इसमें सोल्ड हो गया है। उसके बाद इसके ऊपर अच्छी तरीके से हम लोग टिप लगा देंगे, क्योंकि शॉर्ट ना करें। देख सकते हैं टेप भी लग गया है। ये हम लोग का LED कैप होता है, जो हम लोग आउटडोर लगाते हैं LED इसके ऊपर लगता है। इसका हम यूज कर रहे हैं। इसको भी इसके ऊपर हमने एक कूट को लगाया है, उसके अंदर होल कर लेते हैं। और इसके बाद इसके वायर को हम लोग इसके अंदर से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। देख सकते हैं इसके बाद इसके किनारे किनारे अच्छी तरीके से हॉट ग्लू गन से हम लोग ग्लू लगा देंगे इसके ऊपर। देखिए कैसे हम लगा रहे हैं। इसके बाद इसको इसके ऊपर रख के अच्छी तरीके से फिक्स कर देते हैं। देखिए हम लोग का झालर लाइट रेडी हो गया है। चलिए इसको हम लोग अंधेरे में आपको टेस्ट करा देते हैं। चलिए देख सकते हैं अंधेरे में कितनी अच्छी तरीके से जल रहा है। आपको भी वीडियो जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देख सकते हैं काफ़ी सस्ता और मज़ेदार झालर लाइट बन गया।